वेलकम टू ईरम किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई माश। इसे बनाने के लिए हमें उबली हुई माश चाहिए। मैंने इसे माश को 10 मिनट के लिए विदाउट कुकर में उबाल लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। मैंने गैस को लो फ्लेम पर रखा है। कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल डाला है मैंने। ये मेरे 1 कप ऑनियन है, 1 1 ऑनियन है। ये मैंने इसे इस तरह से चॉप कर लिया है। इसे फ्राई होना है, ब्राउन कलर आए तक फ्राई करना है हमें। इसे लाइट ब्राउन चाहिए हमें इसका कलर। इस तरह से हमारी ऑनियन ब्राउन हो रही है। इसमें हम 1/2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। गैस को लो फ्लेम पे रख लेना है। थोड़ी सी टर्मरिक ऐड करेंगे। एडेड टू सॉल्ट। सॉल्ट मैंने दाल में नहीं डाला था, अभी डाल रहे हैं इसमें। एडेड टू ग्रीन चिली। ये मेरी ग्रीन चिली 3 है। इसे भी थोड़ा सा लाइट फ्राई होना है हमें। हमारी ऑनियन फ्राई हो चुकी है लाइट ब्राउन। अब इसमें हम मैश, हमारी उबाली हुई मैश ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। इस तरह से जो इसमें जो वाटर है ये बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। हमारी माश पूरी ड्राई होना है। ये रही हमारी फ्राई माश। फ्राई रेडी हो चुकी है। हम इसे अब सर्विंग बोल में निकालेंगे। ये रही हमारी फ्राई माश। ये चपाती के साथ बहुत टेस्टी रहेगी। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।